सो अब से आप लोग गरीना फ्री फायर ऑफिशियल चैनल में लाइव वॉच करेगी तो आप लोग को रिवार्ड मिलेगा। जी हाँ गाइस, जितना ज्यादा लाइव वॉच करेगी उतना ज्यादा आप लोग को रिवार्ड मिलते जाएगा, वो भी सीधा गेम के अंदर मेल बॉक्स में। क्या बात करते हैं यार, तो ये सुनने बाद आप लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे, लेकिन वीडियो के एंड में भी देखोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा और आप लोग को रिवार्ड मिलते जाएगा, ठीक है। और क्या इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सारे कंट्री, मतलब चारों कंट्री एक हो जाएगा, आज मैं वही टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। और उसके साथ साथ अजमेर कब फेस्टिवल करेंगे उसकी डेट बताने वाला हूँ और एडवांस सर्वर के बारे में बताने वाला हूँ कि एडवांस सर्वर क्या हुआ, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो माय फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अरे तुम लोग क्यों टूटे हुए हो? अच्छा ठीक है, तुम लोग टूटे तो आज वीडियो देखोगे तो आपकी मूड ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहले नंबर बात करते हैं कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल ये चारों कंट्री एक हो जाएगा क्या? तो चलो मैं आप लोगों को फुल डिटेल के साथ बताता हूं। सो गाइस, ये अपडेट क्यों निकल कर आ रहा है? ये अपडेट ऐसे आ रहा है कि आप लोगों को शायद पता होगा जो FFWS के वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट होने वाला है, और ये टूर्नामेंट होने वाला है फ्री फायर इंडिया में। मतलब जब फ्री फायर इंडिया आ जाएगा उसके बाद ये टूर्नामेंट होने वाला है। तो अपडेट ऐसा क्यों आ रहा है कि ये चारों कंट्री एक हो जाएगा? लेकिन मैं 100% कंफर्म नहीं है कि चारों कंट्री एक हो जाएगा, ये फेक न्यूज है। लेकिन मैं आप लोगों को मैं ये बताऊंगा चारों कंट्री एक होगा ये तो नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं तीन कंट्री एक हो जाएगा ये 99% चांसेस है, जो कि इंडिया के साथ बांग्लादेश और नेपाल। लेकिन भाई ये तीन कंट्री है लेकिन सर्वर दो है, वो क्या है आप लोगों को पता है? आप लोगों को शायद पता होगा बांग्लादेश और नेपाल वो एक ही सर्वर में ही है। बांग्लादेश और नेपाल ये जो दोनों एक ही सर्वर में है तो वो बहुत छोटा सर्वर है इंडिया सर्वर से। सो गाइस देखो, अगर बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया ये तीनों कंट्री एक हो जाएगा तो गरीना के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो कैसे शायद आप लोगों को पता होगा, गरीना क्या करते हैं, हमेशा चाहता है कि पैसा लूटने के लिए, पैसा चढ़ने के लिए मैंने नहीं करता उसको भाई, इतना बड़ा टूर्नामेंट क्रिएट किया है, अगर उस लोगों ने मतलब अलग अलग सर्वर से मतलब पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा गरीना को। तो गरीना ने ये सोचा कि जो इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल ये तीनों कंट्री एक हो जाएगा, लेकिन ये दोनों कंट्री तो मतलब तीनों कंट्री मतलब कंट्री तीन है लेकिन सर्वर दो है, वो दोनों सर्वर एक हो जाएगा तो ये उसके लिए भी फायदा होगा और हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। कैसे आप लोगों को पता होगा, पहले से तो ऐसा हो सकता है। और ये जो पाकिस्तान सर्वर है उसमें मतलब ऐड होना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों सर्वर है वो बहुत अलग सर्वर है, मतलब मिलता जुलता कभी भी मिलता जुलता नहीं रहता है, हमेशा इवेंट वगैरह रिवर्स सब कुछ मतलब डिफरेंट होता है इंडिया सर्वर से। तो इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान सर्वर तो इतना ज्यादा चांस नहीं है कि इंडिया सर्वर में एक होने के लिए, लेकिन 99% चांसेस ये है बांग्लादेश, नेपाल ये दोनों कंट्री इंडिया में ऐड हो जाएगा, ये लग रहा है। तो पता नहीं आज सबने गिरने क्या करते, जब भी फ्री फायर इंडिया आ जाएगा FFWS टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब भी इसके बारे में फुल डिटेल से पता चलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं एडवांस सर्वर के बारे में। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा दो दिन पहले मैं आप लोगों को बताया था कि एडवांस सर्वर बंद हो चुका है, उसके बारे में मैं तीन रीजन बताया था। पहला रीजन था मतलब इंडिया के रिलेटेड बताया था, और दूसरी रीजन बताया था कि एडवांस सर्वर की सर्वर की प्रॉब्लम, मतलब ग्लिच का प्रॉब्लम है, मतलब जब भी हम लोग सर्च कर रहे हैं मतलब एडवांस सर्वर डाउनलोड करने के लिए तो वेबसाइट शो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बताया था कि मतलब यही भी हो सकता है सर्वर की प्रॉब्लम, कुछ ग्लिच की प्रॉब्लम। और थर्ड रीजन बताया था कि सिर्फ पार्टनरशिप में जो यूट्यूबर है वो जा सकता है और नॉर्मल प्लेयर जा नहीं सकता है, मैंने खुद के ओपिनियन से बताया था, मतलब सर्वर की कुछ प्रॉब्लम था इसलिए शो नहीं कर रहा था। तो आपसे मतलब एडवांस सर्वर ठीक हो गया, आप लोग जाकर आप लोग डाउनलोड करके खेल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एडवांस सर्वर आ चुका है, ठीक है। सो आप बात करते हैं कि अजमेर कब फेस्टिवल करने वाला है। सो गाइस, अजमेर ने इंस्टाग्राम पर मेंशन करके ये बताया था कि 4 डेज सिर्फ बचा है, मतलब 4 डेज के बाद अजमेर ने फेस्टिवल कर देंगे। ये जो 4 डेज बताया था वो कब बताया था, 27 दिसंबर रात में ये स्टोरी मेंशन करके ये बताया था कि सिर्फ 4 डेज ही बचा है, तो उसमें यही है मतलब 31 दिसंबर में अजमेर फेस्टिवल कर देंगे। तो 31 दिसंबर में जो अजमेर फेस्टिवल करेंगे तो टाइम बता दिया जाए तो 99% चांसेस ये है कि सुबह 9:30 बजे अजमेर के चैनल में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कि हम लोग गरीना की खुद की जो वेबसाइट है यूट्यूब चैनल में, जो गरीना फ्री फायर यूट्यूब चैनल है उसमें लाइव वॉच करेंगे तो क्या हम लोगों को रिवार्ड मिलते जाएगा, वो कैसे मिलेगा, चलो मैं आप लोगों को फुल डिटेल के साथ बताता हूँ। सो गाइस, इस रिवार्ड को लेने के लिए कुछ भी नहीं पड़ेगा, मतलब थर्ड पार्टी एप्स वगैरह कुछ भी मतलब अलग एप्स कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही चीज है वो है यूट्यूब। यूट्यूब तो हर मोबाइल के अंदर रहता है तो सिर्फ यूट्यूब से ही मिलेगा और कुछ भी एप्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद मतलब खुद की जो चैनल है मतलब जो आईडी है उसमें जाना है, चैनल का आईडी, उसमें यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स को क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो कनेक्ट एप्स, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो ये जो गरीना आ रहा है ना, गरीने के ऊपर टैप करके यहाँ पर कंटिन्यू कर देना, मतलब कनेक्ट कर देना, ठीक है। जब भी कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा वेबसाइट निकल कर आएगा। आने के बाद यहाँ पर क्या करना है, अपनी जो आईडी है वो फेसबुक से क्रिएट किया है आप लोगों ने या तो गूगल से क्रिएट किया, अपनी जो आईडी है वो यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अपनी जो आईडी है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब जब भी आप लोग लाइव वॉच करोगे, जब भी लाइव स्टार्ट होगी, लाइव वॉच करने के बाद सीधा अपनी गेम के अंदर मेल बॉक्स में अपनी रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।